हुंडई वेन्यू का फेसलिफ्ट कंप्लीटली सामने आ गया है। इसका फर्स्ट बैच डीलरशिप पे ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। 16 ऑफ जून को लॉन्च होने वाला है। और हाँ, इसकी बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट है आज से, तो आप 21,000 से ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भी इसकी बुकिंग करवा सकते हो। तो इसमें हमें क्या क्या नया देखने को मिलता है आज की वीडियो में, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा वेन्यू के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँ। वेन्यू इंडिया की पहली कनेक्टेड कार थी और 2019 मिड में पहली बार लॉन्च हुई थी। तब से लेके आज तक वेन्यू का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन अभी कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है। इसी सेगमेंट में ऐसी कार्स आ रही हैं जिसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वेन्यू पीछे होती जा रही है धीरे धीरे। तो इसीलिए एक वेन्यू के फेसलिफ्ट की ज़रूरत थी, जो फाइनली आ गया है। और एक फैक्ट बताऊं तो हुंडई वेन्यू हुंडई की सेल्स में 15-20% का कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। मतलब एक वेन्यू का अहम किरदार है हुंडई की सक्सेस के पीछे। फेसलिफ्ट में देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि अभी नेक्सॉन की आप सेल्स देखो बढ़ती जा रही है। मतलब अभी तो 15,000-16,000 हर महीने रही है, तो क्या वेन्यू के फेसलिफ्ट के बाद नेक्सॉन की सेल्स में फर्क पड़ेगा? वो तो फीचर्स देख के ही पता लगेगा। तो वीडियो आप एंड तक देख लेना। पहले तो डिजाइन देखो, नई वाली वेन्यू की डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो गई है। न्यू जनरेशन टूसोन इंस्पायर्ड लग रही है। जो फ्रंट आप देखो तो फ्रंट में आपको डार्क क्रोम ग्रिल देखने को मिलती है, जिसको हुंडई पैरामेट्रिक ग्रिल बोलता है। एक्सटेंडेड एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं, एलईडी हेडलाइट है डीआरएल के साथ। पर्सनली मुझे अभी नई वाली वेन्यू का जो फ्रंट है ना, काफी बेहतर लग रहा है। फ्रंट में नए बंपर मिलते हैं नए स्किड प्लेट के साथ। साइड की तरफ देखो तो अलॉय व्हील की डिजाइन भी न्यू है और काफी सॉलिड लग रही है, और मॉडर्न डिजाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं मशीन कट में। रियर की तरफ चलो तो रियर प्रोफाइल भी न्यू है, और रियर में आप देखो इसमें जो देखो पीछे के दोनों टेल लाइट है, इनको कनेक्ट कर दिया गया एक लाइट बार के थ्रू। तो हाँ, ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है। बाकी वेन्यू का जो लोगो है और हुंडई की जो बैजिंग है उनका प्लेसमेंट सेम है। पीछे का जो टेल सेक्शन है, जो टेल लाइट वाला पार्ट है, वो भी चेंज हुआ है। नीचे रिफ्लेक्टर वगैरह उनकी भी पोजिशनिंग चेंज हुई है, डिजाइन चेंज हुई है। तो हाँ, पीछे से भी देखने में गाड़ी बिल्कुल नई सी लग रही है। ऊपर रूफ रेल है, शार्प एंटीना देखने को मिलता है। बाहर से देखने में मैं ये बोल सकता हूँ कि काफी प्रॉमिसिंग सा डिजाइन है, और जैसे सोनेट का जो डिजाइन है काफी प्रॉमिसिंग लगता है। अभी आज के वेन्यू काफी ओल्ड सी लगती है अभी वाली, लेकिन ये वेन्यू मुझे लगता है कि गेम चेंजर हो सकती है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। स्टीरियर के अलावा अब अंदर देखें कि भाई अंदर क्या चेंज मिलता है, अंदर क्या नई चीजें हैं। पहली बात तो आपको बता दूं कि इसमें एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज सेट करके ये दोनों असिस्टेंट का यूज कर सकते हो इस कार में। इसी के साथ और कुछ कनेक्टेड फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं नई वाली फेसलिफ्ट हुंडई वेन्यू में। अभी ब्लू लिंक में टोटल 60+ कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, अभी तक 45 के आसपास मिलते थे। इसी के साथ इसके स्टीयरिंग व्हील अभी क्रेटा वाले मिलते हैं, जिसमें दोनों साइड कंट्रोल्स दिए गए हैं। और अंदर का जो लेआउट है ना, वो भी चेंज है। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो अभी तक 8 इंच का आता था, लेकिन अभी 10 इंच का इंफोटेनमेंट मिलता है, जिसमें बहुत सारे फीचर है। कुछ फीचर आपको हाईलाइट करूं तो रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, रिमोट डोर लॉक अनलॉक तो मिलता ही, ऑब्वियस बात है। रिमोट व्हीकल स्टेटस चेक मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्यूल लेवल इन्फॉर्मेशन, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इसी के साथ फाइंड माय कार का भी फीचर इसमें देखने को मिलता है। और हाँ गाइस, इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे लग रहा है वो ये है कि इसकी जो रियर वाली सीट है ना, वो 2-स्टेप रिक्लाइनर है। मुझे लगता है कि ये ना रियर वाले जो सीट्स हैं उसको काफ़ी कंफर्टेबल बना देगी। अभी बहुत सारे लोगों का कंप्लेन था कि भाई वेन्यू की जो सेकंड रो है उसमें स्पेस वगैरह नहीं मिलता, कंफर्ट नहीं है। तो देखते हैं रिक्लाइनर के बाद, 2-स्टेप रिक्लाइनर के बाद शायद कुछ कंफर्ट बढ़ जाए, तो वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा। और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, उसमें एक साउंड इफेक्ट का नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कभी एयर का साउंड आएगा, मतलब उसमें कुछ नेचर्स के साउंड आएंगे जो कि आप मतलब बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। और एक बात कि अभी तक वेन्यू में आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था, लेकिन नई फेसलिफ्ट में आपको 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा बोस के साउंड सिस्टम के साथ, और फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगी। तो अभी साउंड सिस्टम अच्छा हो जाएगा, और टच स्क्रीन जो है उसकी साइज बड़ी है, साथ ही साथ में रेस्पॉन्स भी अच्छा हो जाएगा। और 360 डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ये सब तो ऑब्वियस बात है मिलेगा। 6 एयरबैग भी आपको सेफ्टी में मिलेगा। हाँ, सेफ्टी की बात कर ही रहा हूँ तो 6 एयरबैग के साथ स्टैंडर्ड आपको ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट और पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलेंगे। हायर वेरियंट्स में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ESC ऐसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। इंजन ऑप्शन वही, इसमें आपको 3 इंजन मिलेगा, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन। पेट्रोल 1.2 वाला 82 bhp प्रोड्यूस करके देगा, और टर्बो पेट्रोल वाला 180 hp प्रोड्यूस करके देगा। 1.5 लीटर डीजल इंजन 99 bhp आपको प्रोड्यूस करके देगा। तो हाँ, इंजन सेम रहने वाला है, बट हैंडलिंग और सस्पेंशन ये सारी चीज़ों को ट्यून किया जाएगा, जो कि बेहतर परफॉर्म करेंगी आज के टाइम के लिए।
हैंडलिंग वैसे भी वेन्यू की अच्छी थी, बस सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ हुआ करते थे। बाकी देखते हैं कि अभी नई फेसलिफ्ट में सस्पेंशन की ट्यूनिंग कैसी होती है, वो चलाने के बाद ही मालूम चलेगा। बट हाँ, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव लग रही हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग सा ये फेसलिफ्ट है। बाकी प्लेटफॉर्म सेम रहेगा तो डायमेंशन वगैरह चेंजेस नहीं होंगे, ये आप एक्सपेक्ट मत करो। स्पेस वगैरह भी सेम रहने वाला है, सब कुछ सेम रहेगा, इंजन भी सेम है। डिज़ाइन लुक्स में और फीचर्स में यहाँ पे चेंजेस करे जाएंगे। अब जैसे मैंने बोला कि नेक्सॉन की सेल्स का क्या होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा क्योंकि वेन्यू का फेसलिफ्ट आएगा और वेन्यू की अभी भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है क्योंकि ओवरऑल कार बहुत अच्छी है। लॉन्च होने के बाद हेड टू हेड नेक्सॉन वर्सेस वेन्यू में एक वीडियो कर दूंगा जहां पे बेस मॉडल्स को भी कंपेयर कर लेंगे अपन और हायर वेरिएंट्स को भी कंपेयर कर लेंगे। वीडियो सही लगे लाइक करो, शेयर करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।